बांदी बाजार के कप्तान का और साथ में मनाकर सामना करेंगे मनी। इससे यहां पर एक लंबा शॉट लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में 6 रन के लिए। स्वागत है फ्रेंड फिर से मेरे यूट्यूब चैनल EIGD स्पोर्ट्स पर। और ये मैच बांझी और बरहेट के बीच में, बांझी ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और उसका एक विकेट गिर भी चुका है। बरहेट की टीम ने फिर से रीएंट्री करवाया है और फिर उसका आज पहला मैच इस ओवर की अगली गेंद, दूसरी ओवर की अंतिम गेंद फिर से ऊंचा उठाया है। अरे यार बक। लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी नियंत्रण रख नहीं पाए, रन करने का प्रयास था और यहाँ पर 2 रन चुरा लिए। साथ ही ओवर की समाप्ति, स्कोर 2 ओवर की समाप्ति 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर जो बांझी का स्कोर। एक स्लिप पोजीशन में जो खिलाड़ी थे, अगर थोड़ी सी अगर टाइमिंग देते तो निश्चित रूप से कैच होने की संभावना बनता। तीसरी ओवर की शुरुआत, ओवर की पहली गेंद में सामना करेंगे बॉलर ने, पहला ओवर होगा, सामना करेंगे राहुल। और ये बोल्ड हो गए, पहली बॉल पर बोल्ड, यहाँ पर स्ट्रेट खेलने का बैट और बॉल में किसी तरह का संपर्क नहीं, पहली बॉल पर बोल्ड हो गए सीधे विकेट में और यहाँ पर दूसरा विकेट गिरता हुआ, विकेट बांझी का दूसरा विकेट गिरा, यहाँ पर गिरा है राहुल का और यहाँ 2 विकेट गिरे। और अब स्ट्राइक बाय है दीपक, नए बल्लेबाज आए दीपक, कमाल का बोली, पहली गेंद का सामना करेंगे, पहली ओवर की पहली गेंद में यहाँ पर विकेट दिलाया है, तीसरी ओवर की ये दूसरी गेंद, देखिए क्या कर पाते हैं बॉलर, दूसरी गेंद लेकर सामने करेंगे दीपक, सम्मान दिया एक हल्के हाथों से पासवान का, तीसरी ओवर की अगली गेंद लेकर सामना करेंगे और ऊंचा उठाया है लॉन्ग ऑन 6 रन के लिए। और कहीं ना कहीं अभी तक यहाँ पर जो रन बने हैं दीपक का एक खूबसूरत में 6 रन के अगली बॉल खेलने के लिए और यहाँ बैट्समैन तैयार, देखना है इस बॉल पर अगली गेंद करते हैं, सामना करेंगे दीपक और चूके बैट्समैन, इस बार बैट और बॉल में किसी तरह का संपर्क नहीं, आज फिर से यहां पर जीवित करते हुए फिर से सुप्रोत तीसरी ओवर की अगली गेंद लेकर सामने करेंगे दीपक, फिर से यहां ओवर की समाप्ति, इसके साथ ही तीसरी ओवर की समाप्ति 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर बांझी का स्कोर। बापी का वहां पर चौथे ओवर लेकर चले बापी, 8 रन देकर 1 विकेट इस ओवर की पहली गेंद किया था और यहां और सामने की ओर 6 रन पर कवर क्षेत्र में 6 रन के लिए, बहुत ही सुंदर ड्राइव मनी के द्वारा शॉट लिया गया जाए, जितने भी यहाँ पर रन बने हैं यहाँ पर 27 रन आ चुके हैं, 27 रन में यहाँ पर 4 छक्के यहाँ पर लगे हैं, अधिकतर यहाँ पर छक्का से यहाँ पर बॉल को रोका और यह तीसरी गेंद लेकर चौथे ओवर की इसे यहाँ पर उठाकर खेलने का प्रयास, एक गली क्षेत्र में 1 रन के लिए भागने का प्रयास था, यहां से संभावना थी वो हुआ नहीं और इस तरह से चोटिल हुए खिलाड़ी ये चौथे ओवर प्रगति पर है। तो फ्रेंड जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक भी जरूर करें। 27 रन है 2 विकेट के नुकसान पर ये चौथे ओवर की प्रगति पर है, देखना है अगली बॉल पर बापी अपनी चौथे ओवर की अगली गेंद लेकर सामने है मनी और सामने को खेला है सीधा लेकिन एक ही रन मिलेगा, लॉन्ग क्षेत्र में बॉल को फील्ड किया गया 1 रन के लिए मनी। अब सामना करेंगे यहां से दीपक पासवान, स्कोर 6, बापी अपनी अगली गेंद लेकर सामने है दीपक, फिर से यहां पर ऊंचा का प्रयास लॉब खेलने का प्रयास था लेकिन इस बार बॉलर थ्रू में ही यहां पर कैच लिया गया बापी के द्वारा, यहां पर तीसरा विकेट कीपर और दीपक यहां पर 6 रन बनाकर आउट हुए हैं और 28 के स्कोर में यहाँ पर
तीसरा कैच लिया गया यहां पर। इस ओवर की यह पांचवी बॉल थी। बापी की अंत बापी के लिए और ये चौथे ओवर की अंतिम गेंद और ये अंतिम बॉल खेलेंगे जाहिद मुजाहिद और घुमा के मार रहा है लेकिन ये बाहर रन मिलेगा चार रन। और ये चौथे ओवर की समाप्ति 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर बांझी का स्कोर। चार ओवर की समाप्ति में 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर जो है पांचवें ओवर की शुरुआत पहली गेंद सामना करेंगे सुब्रत मनी ओझा और ये शॉट और ये आउट आउट होते हुए स्विंग शॉट खेलना चाहता सीधे फील्डर के हाथों में और ये आउट हो गए। यहाँ पर प्यार का एक अच्छा यहाँ जो टीम कप्तान है अब यहाँ विष्णु आए हैं नए बल्लेबाज विष्णु पहली गेंद का सामना कर रहे हैं। ये वाइड होना चाहिए और ये वाइड का इशारा क्योंकि यहाँ पर एक वाइड का इशारा ओवर हमारे अजय जी के द्वारा और सामना करेंगे यहां से विष्णु कुमार जो टीम कप्तान है। सुब्रत की अगली गेंद फिर से वाइड फिर से यहां पर नौ बॉल का इशारा आता और इस तरह से यह नौ बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा यहां पर स्टेप और ये फ्री हिट है देखना क्या कर पाते हैं बल्लेबाज फ्री हिट का मौका और यह पहली फ्री हिट गवाते हैं उठा पाते हैं इस मैच का। और यहाँ पर उठा कर खेलने का प्रयास फायदा नहीं उठा पाए एक ही रन और यहाँ पर थ्रो किया गया था नो स्ट्राइकर क्षेत्र में लेकिन वो थ्रो सही नहीं और बॉल एक रन चुरा लिए। यह पांचवा ओवर प्रगति में इस सिंगल के साथ ही बांजी का स्कोर 35 रन चार विकेट के नुकसान पर। सुब्रतो सामना करेंगे मुजाहिद फिर से वाइड यहाँ पर बैट और बॉल में किसी तरह या मैच आप इस चैनल में देख सकते हैं। सुब्रत अगली गेंद और सीधा खेला है स्ट्रेट यहां पर लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेला गया एक रन के लिए अपना स्ट्राइक वो छक्का के साथ ही रन बनाना चले बोलर हल्के हल्के कदम पे नहीं हो सकता है आपको प्रयास करना होगा कि इस समय और बहुत सी अच्छी गेंद भी लगाए देखा पर छोड़ दिया रन गति को बढ़ाए कीपर के ग्लव्स चार विकेट के नुकसान पर। यह पांचवी ओवर की अगली गेंद लेकर सुब्रत और ये बोल्ड हो गए और यहाँ बोल्ड नीची रहती गेंद थी बल्लेबाज समझ नहीं पाया और ये आउट हो गए। विष्णु कुमार पांचवा विकेट गिरा बांझी का 37 रन के स्कोर पर और यह सुब्रत की अंतिम बॉल होगी। बहुत ही सुंदर शॉट लेकिन एक ही रन क्षेत्र में एक रन के लिए स्ट्राइक को चेंज किया यहाँ पर अमित कुमार साथ ही पांचवें ओवर की समाप्ति 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर। नवीन या छठी ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे और ऊंचा उठाया है सामने लेकिन कोई फील्डर नहीं नीचे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और एक ही रन मिलेगा बॉल को फील्ड किया। छठे ओवर की दूसरी गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज मुजाहिद नवीन इस बार सम्मान हल्के हाथों से धकेला था एक रन के लिए शॉर्ट लेग में। अब यहाँ यही करना होगा कि आपको स्ट्राइक रोटेट करना होगा जहाँ पर रन की जो गति है वो वाइड होना चाहिए और वाइड का इशारा तो 10-10 की ओवर में यह धीमी है और यहाँ वाइड का इशारा यहाँ पर छठा ओवर की प्रगति फिर से आप उठाकर खेलने का प्रयास था अमित का लेकिन बैट और बॉल में किसी तरह का संपर्क नहीं और फिर से वाइड और फिर से यहां पर वाइड का इशारा और फिर से नवीन अपनी अगली गेंद लेकर और यहां पर ऑफ साइड में शॉट लेने का प्रयास था लेकिन अपने से स्ट्राइक में अमित कुमार नवीन की अगली बॉल लेकर लेकिन फिर से वाइड का इशारा यहां पर लगातार तीन वाइड देखने को मिला है और फिर से आप उठाकर खेला है और ये छह रन हाई लेग क्षेत्र में छह रन के लिए
और एक सुंदर से और नवीन इस ओवर का विकेट लेकर यहां पर फिर से और साथ ही ओवर की समाप्ति, छठे ओवर की समाप्ति, स्कोर का 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सातवें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और वहीं पर उठाया है, देखना है फील्डर है नीचे और ये कैच। एक कैच की संभावना थी लेकिन यहां से कैच नहीं ले पाए, एक रन और स्कोर। इस ओवर की दूसरी गेंद देखकर चले राज और घुमाया है लंबा छक्का 6 रन के लिए, क्षेत्र में 6 रन के लिए था, उठाकर खेला है 60 रन। और ये रन आउट, बांजी का छठा विकेट गिरा। और फिर से और ये पहली गेंद पर विकेट, पहली गेंद पे आउट हो गए और यहाँ पर आए और चल दिए। सातवां विकेट यहाँ पर गिरता हुआ बांस बदब का नाम, ये 7 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ एक अपील और यहाँ पर राज 7वें ओवर की अगली गेंद लेकर 61 रन और यहां पर एक जोरदार शॉट लवन क्षेत्र में 1 रन के लिए, यहां पर अमित कुमार का। अमित और इस तरह से 7वें ओवर की समाप्ति, 62 रन 7 विकेट के नुकसान पर बांजी का स्कोर। और फिर से स्ट्राइक में अमित कुमार। और इस तरह से 8वें ओवर की शुरुआत, बॉलिंग पर आए हैं सुजीत, पहली गेंद लेकर चले बॉलर और इस बार धीमी बॉल हल्के हाथों से खेल दिया 1 रन के लिए, 1 रन। इस ओवर की दूसरी गेंद, सामना करेंगे बल्लेबाज और फिर से धीमी बॉल, समझ नहीं पले पाए बल्लेबाज और ये और यहां पर थ्रो किया आउट का लेकिन यहां पर लेग का इशारा, सामना करेंगे अमित कुमार। और ये 4 रन के लिए निकल गए, 4 रन के लिए ये 8वां ओवर प्रगति में। अब यहां से लंबे लंबे शॉट लगाना होगा, यहां पर 1 रन चुराते हुए अमित इसको सिंगल के साथ ही 69 रन विकेट के नुकसान पर। सुजीत अगली गेंद लेकर 8वें ओवर के और यहां पर उठाकर खेला है पोजीशन में, वहां पर खिलाड़ी 7 विकेट के नुकसान पर। यह 8वां ओवर प्रगति में सुजीत अगली बॉल लेकर वाइट का इशारा, अमित यहां पर फिजिकल एकेडमी बोरियो वर्सेस हिरनपुर, अगले मैच के लिए बोरियो वर्सेस हिरनपुर। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं यह मैच और इसके साथ ही 8 ओवर की समाप्ति, या 9वें ओवर की पहली गेंद और वहीं पर उठाया है फील्डर नीचे दौड़ते हुए, देखना है लेकिन कैच नहीं होगा, एक हल्के हाथों से खेला गया 1 रन के लिए दौड़े बल्लेबाज। यहां पर और ऊंचा शॉट उठाया है, नीचे है फील्डर, देखना है 72 रन और ये बहुत ही सुंदर कैच, यहां पर एक सुंदर सा कैच लोग क्षेत्र में और यहां पर अमित कुमार का बांझी का 8वां विकेट गिरा, वह 23 रन बनाकर 72 के स्कोर 23 रन का व्यक्तिगत स्कोर। नए बल्लेबाज आए, पहली गेंद का सामना करेंगे और फिर से चकमा खाए बल्लेबाज, वहीं पर बॉल 1 रन के लिए दौड़े। इस ओवर की अगली गेंद और फुल टॉस बॉल था और ये आउट, बहुत ही सुंदर कॉटन बॉल। और 9वें विकेट का पतन हुआ है और ये अंतिम विकेट आ रहे हैं बांझी की ओर से, जो दोनों बजा रहे इसलिए दिक्कत हो रही।
74 रन। ये 9 विकेट की पतन में और यहां पर एक रन के लिए 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब ये अंतिम ओवर आएंगे और इस पारी इस ओवर या इस स्पेल का अंतिम ओवर होगा या 10वां ओवर होगा यहाँ और 10 या 6 गेंद में यहाँ पर कितना रन जोड़ पाते अपने इसको करेंगे यहाँ पर गौरव और यहाँ पर लॉन्ग लेग पोजीशन में अफसार के द्वारा फील्ड किया गया एक रन के लिए अपना स्ट्राइक रोटेट करते हुए चेंज करते हुए ओवर प्रगति में अंतिम ओवर या तीसरी गेंद लेकर यहाँ पर अक्षय और एक सुंदर गेंद बैट और बॉल में किसी तरह का संपर्क नहीं विकेट के नुकसान पर बांसी बाजार अक्षय अपनी चौथी गेंद लेकर यहाँ पर शॉट लेने का प्रयास था लेकिन लॉन्ग लेग पोजीशन से यहाँ पर अफसार के द्वारा फील्ड किया गया एक रन के लिए रन स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ से 70। इस ओवर की पांचवी गेंद लेकर या अंतिम ओवर की पांचवी गेंद और यहां पर बैट और बॉल में किसी तरह का संपर्क नहीं और यहां पर लेग बाय का इशारा अजय जी के द्वारा ओवर का या अंतिम बॉल और यहां पर शॉर्ट स्ट्रेट खेला गया लॉन्ग ऑफ पोजीशन में एक रन के लिए यहां पर और इस तरह से ये बांझी की पारी समाप्ति 79 रन और 80 रन का टारगेट दिया है बरेड की टीम को।